brought to you by American Pistachios. ये बताओ सब क्या हाल है अंदर? राम सुंदर, अरे घर वालों के लिए कुछ बोल दो भाई। उन मजदूरों की आवाज है जो 9 दिनों से उत्तराखंड की एक सुरंग में फंसे हुए हैं, जो ढह चुकी है। उन 9 दिनों से सूरज की रोशनी को तरस रहे हैं, लेकिन उन्हें मिल रहे हैं अपडेट्स। अब ये मशीन आई, अब वो बड़ी मशीन आई, अब नेताजी आए, अब बड़े नेताजी आए, अब सबसे बड़े नेताजी आ गए। एयरफोर्स के जहाज से सामग्री आ रही है, अब हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग से पाइप डाला जाएगा तो अब वर्टिकल ड्रिलिंग से पाइप डाला जाएगा। सुरंग के मुहाने पर मंदिर बन रहा है, विदेश से विशेषज्ञ आ रहे हैं, वो भी मंदिर जा रहे हैं। बीआरओ बचाव के लिए सड़क बना रहा है। अपडेट अपडेट अपडेट, लेकिन किसी अपडेट में इन मजदूरों के बाहर निकलने की सूचना नहीं है। ये सूचना भी नहीं है कि बाहर निकलने की सूचना कब तक आ सकती है। सरकार बता रही है कि मजदूरों के पास बिजली है, वॉकी टॉकी से बात हो रही है, पाइप से बात हो रही है, पाइप से ड्राई फ्रूट अंदर जा रहे हैं, पानी जा रहा है। ये राहत देने वाली बात है, लेकिन 9 दिन सुरंग में बिता चुके मजदूर इन चीज़ों से कितनी राहत पा सकते हैं? वो तो संपर्क होते ही एक ही बात कहते हैं, बाहर निकालिए सर। अब 4 इंच की जगह 6 इंच का पाइप डाल दिया गया है ताकि मजदूरों तक सादा खाना पहुंचाया जा सके। हिमालय भेदकर सड़कें और रेल लाइन बनाने का मंसूबा पालने वाले हमारे देश की ऐसी परियोजनाओं को बनाने वालों की सुरक्षा को लेकर हम कितने तैयार हैं, वो हम बीते 9 दिनों से देख रहे हैं। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप शो। और आज हम बात करेंगे उत्तराखंड की सुरंग में फंसे 41 मजदूरों की कहानी, वो किस हाल में है। सबसे पहले एक जरूरी सूचना हम आपको दे दें, अगर आप जोधपुर या उसके आसपास हैं तो आइए प्रथम द्वार सम्राट अशोक उद्यान, पाल रोड, जोधपुर। तारीख 21 नवंबर, समय शाम 6 बजे। मौके पर आपको मिल जाएंगे सौरभ द्विवेदी, रजत और अक्षय। इनसे आप राजस्थान चुनाव को लेकर भी बात कर सकते हैं, दिल की बात कर सकते हैं, घर की बात कर सकते हैं, जो भी बात आपको सुकून दे वो इनसे आप बांट सकते हैं। तो आइए, समय जगह पता आपने नोट कर लिया, अगर आप जोधपुर में हैं तो ज़रूर मिलिए सौरभ से दर्शक दर्शन में। अब बात शुरू करते हैं मजदूरों की, उनके बचाव की। ये वो 41 मजदूर हैं जो उत्तरकाशी की एक निर्माणाधीन सुरंग में 9 दिनों से फंसे हुए हैं। ये बाहर कब आएंगे नहीं पता, ये बाहर कैसे आएंगे ये भी अभी एग्जैक्टली कोई बता नहीं सकता। बस उम्मीद लगातार बनी हुई है और प्रयास चल रहे हैं। 13 नवंबर के ललन टॉप शो में हमने आपको इस घटना के बारे में बताया था। ब्रीफ में कहें तो 12 नवंबर को सिलक्यारा और बरकोट को जोड़ने वाली निर्माणाधीन सुरंग धंस गई थी, इसमें 41 मजदूर फंस गए। ये मजदूर यूपी, झारखंड, उत्तराखंड, असम, बिहार और हिमाचल प्रदेश से आते हैं। कौन है 41 मजदूर, जान लीजिए। राम सुंदर उत्तराखंड, गब्बर सिंह नेगी उत्तराखंड, पुष्कर उत्तराखंड, सबा अहमद बिहार, सोनू शाह बिहार, वीरेंद्र किस्कू बिहार, सुशील कुमार बिहार, दीपक कुमार बिहार, मनिर तालुकदार पश्चिम बंगाल, सेविक पखेरा पश्चिम बंगाल, जयदेव परमाणिक पश्चिम बंगाल, विशेषर नायक ओडिशा, राजू नायक ओडिशा, धीरेन ओडिशा, सपना मंडल, भगवान बत्रा भी ओडिशा से हैं, विश्वजीत कुमार झारखंड से, सुबोध कुमार झारखंड से, अंकित यूपी से हैं, राम मिलन यूपी, सत्यदेव यूपी, संतोष यूपी, जयप्रकाश यूपी, अखिलेश कुमार यूपी, मंजीत यूपी, अनिल बेदिया झारखंड, श्राजेंद्र बेदिया झारखंड, सुखराम झारखंड, टीकू सरदार झारखंड, गुनोदर झारखंड, रंजीत झारखंड, रविंद्र झारखंड, समीर झारखंड, महादेव झारखंड, मुदतू मुर्मू झारखंड, चमरा उराव झारखंड, विजय होरो झारखंड, गणपति झारखंड, संजय असम, राम प्रसाद असम, विशाल हिमाचल प्रदेश से। आपने इनके नाम सुन लिए, इनके सूबों के बारे में जान लिया, आप जानते हैं प्रयासों के बारे में, कैसे बचाने के लिए क्या प्रयास किए जो असफल रहे हैं अब तक। इन्हें समझने के लिए सबसे पहले एक छोटी सी बात समझिए, सुरंग का जो मुहाना आपको खबरों में दिखाई दे रहा है, जिसकी तस्वीरें वीडियो आप देख रहे हैं, वो सिलक्यारा साइड का मुहाना है। उस मुहाने से अगर आप 200 मीटर चलकर अंदर जाएंगे तो आपको मजदूर मिलेंगे, यही मजदूर जो 12 गुहार लगा रहे हैं कि उन्हें बचा लिया जाए। आप समझ लीजिए कि अंदर अंधेरा है, ठंड है, उन मजदूरों पर क्या बीत रही होगी। चाहे एक दो बल्ब कहीं जल रहे हों, थोड़ी बहुत बिजली हो, लेकिन ठंड तो होगी ही, अंधेरा तो सुरंग में होता ही है। ये 200 मीटर पार करना इतना आसान नहीं है,
इसी दूरी में बहुत सारा मलबा पसरा हुआ है, इसी के बीच में रॉकफॉल हुआ है। ऐसा पसरा है कि उसने सुरंग का मुहाना लगभग बंद कर दिया है, लेकिन मजदूरों को बचाने के लिए ज़रूरी खाना पानी और दवाएं मिलती रहें इसके लिए किसी तरह टनल में एक चौड़ी सी पाइप अब डाल दी गई है, 6 इंच चौड़ी। इस पाइप की मदद से सामान अंदर भेजा जाएगा, कम प्रेशर की मदद से हवा का दबाव होगा, सामने फूड पैकेट या दवा रखी होगी और वो अंदर जाएगा। इसी विधि से एक छोटे पाइप से पहले भी ड्राई फ्रूट वगैरह अंदर भेजे जा रहे थे। जब से सुरंग ढही है तभी से बचाव अभियान भी चल रहा है। सबसे पहले फौरी तरीका अपनाया गया, एक्सकेवेटर मशीनों की मदद से मलबा हटाने की कोशिश की गई। इसमें सफलता नहीं मिली तो मलबे के भीतर आम तरीकों से ड्रिल किया जाने लगा, लेकिन सामने कठोर चट्टाने मिली, ज़्यादा वाइब्रेशन होने लगा और खुदाई कर रही ऑगर मशीन फंस गई। खबरों के मुताबिक मशीन को रन किया गया तो और मलबा गिर गया। 15 नवंबर को इस ड्रिलिंग को इन दिक्कतों की वजह से रोकना पड़ा। फिर कुछ देर नई रणनीति पर काम किया गया। नई रणनीति सामने आई 18 नवंबर की शाम। क्या है ये रणनीति, पॉइंट्स में जानिए। पहला बिंदु, BRO यानी बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, ये संगठन टनल साइट तक आने जाने वाली सड़कों को क्लियर करेगा, साथ ही जिस पहाड़ी के नीचे सुरंग में मजदूर फंसे हुए हैं उस पहाड़ी के ठीक ऊपर एक एरिया को साफ करेगा। रेल विकास निगम लिमिटेड RVNL BRO द्वारा तैयार की गई साइट पर ऊपर से नीचे एक 6 इंच का पाइप डालेगा, यानी ड्रिल करके सुरंग को ऊपर की तरफ से खोदा जाएगा, पहले पाइप पड़ेगा। इस पाइप की मदद से मजदूरों को खाना पानी दवा भी दी जा सकेगी। सतलज जल विद्युत निगम SJVNL और ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन मिलकर 6 इंच वाली पाइप के बराबर में एक और ड्रिल ऊपर से नीचे की ओर करेंगे। इसके लिए रेलवे की मदद से गुजरात और ओडिशा से मशीनें भी मंगवा ली गई हैं। टेहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड THDCL सुरंग को बरकोट वाली साइट से हॉरिजॉन्टली खोदना शुरू करेगा। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट की माने तो इस साइट से मजदूरों तक पहुंचने में लगभग 483 मीटर की खुदाई करनी पड़ेगी। नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड NHIDCL इस पूरे ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहा है। साथ ही सिलक्यारा साइट से 200 मीटर की जो खुदाई चल रही है, NHIDCL इस खुदाई को चालू रखेगा। साथ ही टनल का जो भी ढांचा अभी मौजूद है उस ढांचे को भी इंटैक्ट रखने का प्रयास करेगा। आपको ये बता दें कि ये वो एजेंसियां हैं जिनके पास हैवी मशीनरी और मैन पावर का काम है। इसके अलावा सेना, NDRF और SDRF जैसी तमाम यूनिट्स लगातार राहत कार्यों में मदद के लिए मौके पर मौजूद हैं। अब इस प्लान को छोटे में समझाएं तो ये सुरंग को 3 दिशाओं से खोदकर मजदूरों तक पहुंचने का प्लान है। अमूमन ऐसे कदम उन्हीं मौकों पर उठाए जाते हैं जब ऑपरेशन में बहुत सारी दिक्कतें शामिल हों। जैसे अगर हम उत्तरकाशी और केंद्र सरकार के चारधाम परियोजना के अधीन बन रही इस सुरंग की बात करें तो सबसे पहले हम ये कहेंगे कि हिमालय के पहाड़ बहुत भंगुर हैं। कई पर्यावरणविद हिमालय को बहुत युवा पहाड़ कहते हैं जो कई तरह से करवट ले रहा है। पहाड़ टूटता बनता रहता है, कई जगह से पत्थर और मिट्टी गायब और कमज़ोर होते रहते हैं, रिलोकेट करते रहते हैं। मिट्टी के भुरभुरेपन, लैंडस्लाइड और कटाव से कोई भी ड्रिलिंग कमज़ोर पड़ जाती है, ज़मीन और धंस सकती है, लैंडस्लाइड फिर से हो सकता है। ऐसे में एक से ज़्यादा बैकअप प्लान्स मौजूद रहने चाहिए। गोया एक प्लान फेल करे तो अंदर पहुंचने के एक से ज़्यादा रास्ते मौजूद रहें। बता दें कि इस 5 सूत्रीय प्लान पर 19 नवंबर की रात से काम शुरू हो चुका है। सुनते इस प्लान पर जानकारी देते तमाम अधिकारियों को। जो ये सिचुएशन है ये कॉम्प्लिकेटेड है, चुनौतीपूर्ण है, और एग्जैक्ट जो होता क्या है कि जब मलबा गिरा है तो उसके अंदर क्या कंडीशन है, किस प्रकार का स्ट्रेटा है, आगे क्या ऑब्स्ट्रक्शंस है, इसकी बहुत क्लैरिटी होती नहीं है। और उसके लिए बहुत अलग अलग टेक्नोलॉजीज चाहिए, अलग अलग उपकरण चाहिए जिनसे कार्यों को किया जाना है। और इसीलिए अभी वर्तमान में आज की अपडेट ये है कि अलग अलग जो विकल्प तय किए गए थे विभिन्न विशेषज्ञों द्वारा, उन सभी पे पैरेलली काम चल रहा है और हम होपफुल हैं कि जल्दी ही कुछ समय में या कुछ दिनों में हम इसमें ब्रेक थ्रू पाएंगे। जो NDRF डिजास्टर में इन सब सिचुएशन में बेसिकली हम अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू या कोई कोलैप्स स्ट्रक्चर है कहीं गिरना तो उसमें हमारी ट्रेन मैन पावर जिसमें हम काम करते हैं, तो इस तरह के जो मुझे अभी इसके में लग रहा है कि अगर टनल बनता है जिसमें एक्सेस अप्रोच बनता है उसमें से NDRF के लोग अंदर जा सकते हैं, या उनको रोप की जरूरत है, कोई सपोर्ट की स्ट्रक्चर की जरूरत है तो लोग जाके अंदर से उनको फिजिकली भी ला सकते हैं। अगर कोई चलने में कोई दिक्कत हो रही तो हम स्ट्रक्चर में भी करके बाहर बारी बारी से ला सकते हैं। उसके लिए हमारे लोग ट्रेंड है, ऑलरेडी हमने प्रैक्टिस और ड्रिल भी किया हुआ है वहाँ पर, और उस हिसाब से हम जैसे जैसे ये प्रोग्रेस होते जा रहा है हम अपनी प्लानिंग उस तरह से हम उसको रिव्यू करके ताकि अगर जब भी एक्सेस मिलता हम तुरंत इस पर काम करना शुरू करें। इस बीच अच्छी खबर भी आई है, जो 6 इंच की पाइपलाइन डाली जानी थी
उस पाइपलाइन को डाले जाने का काम पूरा हो गया है। NHIDCL के अधिकारियों ने बताया कि उस पाइप की मदद से मजदूरों से बात की जा रही है। अब तक उन्हें चना, मुरमुरा और ड्राई फ्रूट जैसी चीज़ें खाने को दी जा रही थी, लेकिन अब उन्हें पकाया हुआ खाना भी दिया जा सकेगा, नॉर्मल फूड। 6 इंच डायर की पाइप जो है करीब 53 मीटर लंबी है और 53 मीटर पर जाके हमको ब्रेक थ्रू मिला है, और इससे अब जो है जो आपको सुविधा मिलेगी, एक तो अल्टरनेट फूड लाइफलाइन जो हम कह रहे हैं वो होगा, ऑक्सीजन एंड फूड दोनों हम भेज सकते हैं, और बड़े तरह के फ्रूट जिसमें न्यूट्रिशन ज्यादा हो वैसे चीजें हम इसमें भेज पाए। आपने बोला सर मोबाइल चार्जर, प्लास्टिक की बोतलें, दलिया, खिचड़ी, सेब, ये सारी चीजें अब हम वर्कर्स तक पहुंचा। नहीं ना, मैंने मोबाइल चार्जर, मैंने खाली फूड की बात की है, मेडिसिन की बात की, यही भेजा जाएगा। अभी मोबाइल चार्जर ये सब अभी हमारी प्रायोरिटी नहीं है। ठीक है सर। इंडिया टुडे के पत्रकार आशुतोष मिश्रा इस समय मौके पर मौजूद है। उन्होंने उन मशीनों को देखा और उनका मुआयना किया जिनकी मदद से मजदूरों को बचाने की कोशिश की जा रही है। उनका ये वॉक थ्रू आप देखिए। पहाड़ के ठीक ऊपर जो है दरअसल टोपोग्राफिकल सर्वे किया जा रहा है इन मशीनों के जरिए, और जहां आप देख रहे हैं पहाड़ पर बड़ी बड़ी जेसीबी रास्ता बना रही है। इस सर्वे के जरिए ये पता चलेगा कि ये जो दूसरी तरफ पहाड़ का सबसे ऊंचा हिस्सा है जहां से ऊर्ध्वाधर ड्रिलिंग होनी है, वर्टिकल ड्रिलिंग होनी है, वहां पहुंचना कितना आसान हो सकता है, क्योंकि आप भारी भारी मशीनरी को चढ़ाएंगे कैसे, क्या गाड़ियां उस पर चढ़ सकती हैं, तो ये सारा हालांकि एक लंबी प्रक्रिया है लेकिन इसकी शुरुआत हो चुकी है। हम आपको पहाड़ के उस हिस्से पर ले चलते हैं जहां ड्रिलिंग की प्रक्रिया शुरू होनी है। पहाड़ के लगभग उस ऊंचाई पर जहां ड्रिलिंग होनी है हम वहां पहुंच चुके हैं, और यहाँ जो बड़ी बड़ी मशीनें देख रहे हैं दरअसल इस पर पहिया नहीं पहुंच सकता, तो ये जो चेन और ये रोवर जो मशीनें हैं ये दरअसल ऊपर जा रही हैं और इस तरह पूरे पहाड़ को काट के सड़क बनाई जा रही है। वर्टिकल ड्रिलिंग सबसे बड़ी चुनौती है क्योंकि पहाड़ के ऊपर लगभग 200 मीटर की ऊंचाई से भी ज्यादा पार करके आपको बड़ी हैवी मशीनरी ले जानी है, और इसीलिए रातों रात बीआरओ ने यहाँ पर सड़क बना दी है, और टोपोग्राफिकल सर्वे के बाद देखा जाएगा कि आखिर ये भारी भरकम सामान कैसे पहुंचाया जाए, क्योंकि ये ऑपरेशन बड़ा है, कोशिशें भी बड़ी होनी चाहिए। बचाव कार्य पर जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और जनरल वीके सिंह रिटायर्ड ने भी मीडिया से बात की, सुनिए उन्होंने क्या कहा। स्वाभाविक रूप से दिक्कतें बहुत आ रही है और हमने अभी इसके लिए करीब 6 विकल्प लोगों ने दिए, 6 विकल्पों पर काम कर रहे हैं। भारत सरकार की अलग अलग एजेंसीज हैं जिनको जिम्मेदारी दी गई है, टीमों से भी विशेष रूप से यहाँ ध्यान दिया जा रहा है। उत्तराखंड के सरकार, उनके मुख्य सचिव और उनकी पूरा सहयोग है, और NHIDCL ये भी इसमें विशेष रूप से, हमारे महमूद करके एडिशनल सेक्रेटरी जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वो भी काम कर रहे हैं। देखिए ऐसा है, इसके अंदर सेंसर लगे हुए हैं जब से बनी है, वो सेंसर इसके पूरे डेटा को लेके आते हैं। हर हिमालय के पहाड़ के अंदर एक फॉल्ट लाइन होती है। हमारे यहाँ क्योंकि ये नए पहाड़ हैं इसलिए मिट्टी और पत्थर ज़्यादा है, कंक्रीट एक जिसको कहते हैं चट्टान जो है वो कम है, तो हर जगह प्रॉब्लम आती है। जो समस्या है उसके बारे में भी पूरी की पूरी डेटा तैयार है, उसके ऊपर भी काम चल रहा था, लेकिन वो अचानक जो हुआ है अब वो उसका कारण ढूंढा जाएगा टेक्निकली क्यों हुआ है। लेकिन बात सुरंग के बाहर खड़े परिजनों ने भी की मीडिया से, उन्होंने तमाम एजेंसियों और अधिकारियों पर लेट लतीफी के आरोप लगाए, ये भी कहा कि मजदूरों को बचाने की जगह एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं, उन्हें सुन लीजिए। पहुंचा दो जल्दी से जल्दी, और कुछ नहीं जानती, मेरे बेटे को घर पहुंचा दो। लड़के से नहीं, जो वहां गया है उससे होती है, मेरे बेटे को घर पहुंचा दो। जहां से हम लोग रास्ता बनाते हैं वहां से पूरी तरह बनाते जाते हैं, लेकिन ये लोग कंपनी वालों ने आधे रास्ते पे नहीं बनाए, आधे रास्ते से बनाए हैं, तो जिस जगह लूज था वहां पे उन लोगों को बनाना चाहिए था, ऐसा नहीं करने चाहिए था। मैं वहां पे गया, मैं भी टेंडर का काम, ऐसा नहीं कि मैं भी किया हूँ टेंडर का काम में, तो ये नहीं है कि आधे आधे पर बना दीजिए आधे पर छोड़ दीजिए, तो खतरा ही है। लेकिन जाहिर है कि मजदूरों को बचाने के प्रयास चल तो रहे हैं, तमाम एजेंसियां शिद्दत के साथ इस काम में लगी हुई हैं, मजदूरों को बाहर निकालने की कोशिश कर रही हैं। प्रोजेक्ट को लेकर कुछ बातें होने लगी हैं, जैसे जब सुरंग बनाई जा रही थी तो मजदूरों के लिए कोई एस्केप टनल या चैनल क्यों नहीं बनाया गया, ताकि किसी अनहोनी की स्थिति में मजदूर उस एस्केप टनल से बाहर आते या कोई दूसरा तरीका होता उन्हें रेस्क्यू करने का। अब ये सवाल नितिन गडकरी के सामने रखा गया, पत्रकारों से नितिन गडकरी ने लेकिन कहा कि इस टॉपिक पर अलग से बात कीजिए, और ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर में बनी एक टनल में एस्केप चैनल बनाया गया, देखिए उनका वीडियो। सर ये एस्केप टनल वाली बात जो होती है,
इसको अलग से बात करिए, तो इसका बहुत डिटेल में स्टडी कर चुका हूँ। और अभी हमने जम्मू कश्मीर में जो आई एल एफ एस का टनल बनाया, उसी टनल जम्मू कश्मीर जेड़ बोल रहे हैं दूसरी, अभी जो इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री तो वो टनल में हमने एस्केप टनल बनाई है। अभी तक हिंदुस्तान में और वर्ल्ड में एस्केप टनल जहाँ बने उसका एक आधे बार यूज हुआ, कभी हुआ भी नहीं। पर अब एक बात जरूर है कि इसके ऊपर ऐसी घटनाएं होती है, ये अनएक्सेप्टेबल है। अभी तक एक बार हुई थी, अब अचानक बीच में से गिर जाना और वो कॉन्क्रीटिंग अभी मैं जाके 80 मीटर तक भी हुआ है और कॉन्क्रीटिंग चल ही रहा था, तो ये ऐसा कुछ घटना है कि ये अचानक हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तरकाशी की जिस सुरंग में मजदूर फंसे हैं वहाँ एस्केप चैनल नहीं था। एनडीटीवी की खबर बताती है कि एस्केप चैनल को प्लान किया गया लेकिन बनाया नहीं गया। अगर ये टनल में मौजूद होता तो क्या स्थिति होती? शायद मजदूर जब भरभरा के मिट्टी गिरी वो इस एस्केप चैनल से बाहर आ पाते। उम्मीद है कि ये मजदूर जल्द से जल्द बाहर आ जाएंगे सकुशल, स्वस्थ, सुरक्षित। खबरों का सिलसिला यहीं तक और अब उम्मीद की बात। उम्मीद की बात टीम इंडिया के खिलाड़ियों के हवाले से है। कल फाइनल के मैच में क्या हुआ ये आपसे छुपा नहीं है। ऑस्ट्रेलिया ने हमें वर्ल्ड कप में हराया। मैच के बाद प्रधानमंत्री पहुंचे ड्रेसिंग रूम, खिलाड़ियों से गले मिले, फोटो सामने आई, खिलाड़ियों ने बातें लिखी। सबसे पहले पेसर मोहम्मद शमी ने क्या लिखा वो सुनिए। उन्होंने लिखा, दुर्भाग्य से कल हमारा दिन नहीं था। पूरे टूर्नामेंट के दौरान हमारी टीम और मुझे समर्थन करने के लिए सभी भारतीय फैंस को धन्यवाद देना चाहता हूं। पीएम का आभारी हूं जिन्होंने विशेष रूप से ड्रेसिंग रूम में आकर हमारा उत्साह बढ़ाया। हम वापसी करेंगे। रविंद्र जडेजा ने लिखा, हमारा टूर्नामेंट बहुत अच्छा था लेकिन कल हम हार गए। फाइनल के रूस की बात कर रहे हैं वो। हम सभी दुखी हैं लेकिन हमारे लोगों का समर्थन हमें आगे बढ़ा रहा है। इसके अलावा ओपनर शुभमन गिल ने टीम इंडिया की फोटो पोस्ट की, लिखा, 16 घंटे हो गए लेकिन अभी भी उतना ही दर्द हो रहा है जितना कल रात हुआ था। कई बार अपना सब कुछ दे देना भी काफ़ी नहीं होता है, हम अपने गोल से थोड़ा पीछे रह गए। हमारे फैंस और उनका निस्वार्थ सपोर्ट हमारे अच्छे और बुरे समय में हमारे लिए दुनिया जैसा है। ये अंत नहीं है, यह तब तक खत्म नहीं होगा जब तक हम जीतेंगे नहीं। जय हिंद। हम बिल्कुल चाहते हैं कि आप वापसी करें, हम चाहते हैं कि हम वापसी करें पूरी समझदारी से, पूरी शिद्दत से, पूरी जिम्मेदारी और तैयारी के साथ। वैसे इतनी सारी बातें हो गई हैं तो एक न्योता आप और लेते जाइए। 24 से 26 नवंबर के बीच अगर आप दिल्ली में हैं तो ज़रूर पधारिए ललन टॉप अड्डा में। जगह, पता, समय सारणी इत्यादि इत्यादि क्या है अगर वो सब जानना चाहते हैं आपकी, कहाँ आना है, कितने बजे आना है, तो आप बने रहिए दी ललन टॉप के साथ। इसी नोट पे हम दी ललन टॉप शो की इस किस्त को कंक्लूड कर रहे हैं। आपसे अगले एपिसोड में मुलाकात होगी ऐसी कामना करते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए दी ललन टॉप। जिंदगी 365 दिन बहुत बिजी रहने वाली है लेकिन ललन टॉप अड्डा सिर्फ 3 दिन रहने वाला है, 24, 25 और 26 नवंबर 2023। पहुंचिए दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में। एंट्री फ्री है, सिर्फ आपको ललन टॉप की ऐप या वेबसाइट पर एक बैनर पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कराना होगा।